शिरोधारा कहा गया है। शिरोधारा जो हम लोग देखते हैं पिक्चर्स में या जो जानते हैं वो ये है कि सिर के ऊपर, माथे के ऊपर एक लगातार डेफिनेट रेट पर किसी भी तरल द्रव्य, किसी भी लिक्विड का गिरना और उसका बहना है। ये लिक्विड्स तेल भी हो सकते हैं, कोई लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, दही या ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। और इन तत्वों के आधार पे इनके अलग अलग नाम हैं। बट व्हाट इज सो पर्टिकुलर शिरोधारा क्यों, और शिरोधारा में विशेष क्या है अगर इसकी बात की जाए? तो शिरोधारा इज ऑल अबाउट माइक्रो प्रेशर एंड माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो प्रेशर की बात इसलिए होती है कि जिस समय वो छोटी छोटी बूंदें माथे के ऊपर या अलग अलग पार्ट्स पर बॉडी के कहीं भी गिरती हैं, आइडिया होता है कि बॉडी में जो मर्म स्थान है, जो स्पेसिफिक हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, जो कि कहीं चाइनीज मेडिसिन से रिलेट करती है चीज़, एक्यूप्रेशर से कह लीजिए, उन पॉइंट्स पर एक बहुत ही छोटे से प्रेशर के साथ वो ड्रॉप्स जब गिरती हैं तो वो उस जगह के पॉइंट्स पे जो वात है, जो वात दुष्टि है, या जिस को मान लीजिए कि उस जगह पे वात फंसा हुआ है, उसको डिसलोकेट करती है या उसको उस जगह से एक्टिवेट करती है। उसके बाद इसी प्रक्रिया के दौरान जब भी हम धरा करते हैं तो धरा के दौरान हम फिंगर्स फोर्स से, फिंगर्स के कोनों से एक डेफिनेट डायरेक्शन में आमतौर पर बाहर की तरफ मसाजिंग करते हैं। उस मसाजिंग का पर्पस ये होता है कि उस लोकस पे, उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए, और वो चूंकि कैपिलरी लेवल ब्लड सर्कुलेशन है तो वो माइक्रो सर्कुलेशन कहलाएगा। वो माइक्रो सर्कुलेशन, वो कैपिलरी लेवल सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो जो वात ट्रैप्ड है, या वात को आप अगर मॉडर्न साइंस के रेफरेंस में लेके आएंगे तो उस जगह पे जो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेटेड है, जो कि अन्यथा पुअर सर्कुलेशन या किसी भी रीजन से मूव आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो वहां से मूव आउट करते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में आके थ्रू दी एक्सक्रीटरी सिस्टम वो अपने लिए एक रास्ता बनाते हैं। इसीलिए इन सारे प्रोसीजर्स के एंड में हम स्वेदन की प्रक्रिया करते हैं, या जिसे कहते हैं मेडिकली असिस्टेड स्वेटिंग, जिसके लिए हम स्टीम का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम से ब्लैंकेट्स, मल्टीपल ब्लैंकेट्स का यूज कर सकते हैं, स्टीम चेम्बर का यूज कर सकते हैं, थोड़ा मॉडर्नाइज फॉर्म में लोग शोना बाथ्स का यूज करते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है तो उस टॉक्सिन के निकलने के लिए एक बहुत ही रिलेवेंट माध्यम है। पसीना एक ऐसी चीज है जिससे कि पूरी पूरी स्किन एक्टिवेट होती है, और स्किन के थ्रू सारे पोर्स भी, चैनल्स भी खुल जाते हैं। तो माइक्रो सर्कुलेशन के ही लेवल पे, विदाउट एक्चुअली रीचिंग द लेवल्स ऑफ से किडनी या बाउल्स, वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो जो वेस्ट हैं, पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू निकल जाते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये चीज़ हम रिपीट करते हैं, अलग अलग शेड्यूल्स हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग मेडिसिन यूज होती हैं, इस कॉम्बिनेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो वात का ट्रैप है, जिसे आयुर्वेदिक लैंग्वेज में कहा गया है, या आज के मॉडर्न साइंटिफिक फैट की भाषा में कहा जाए तो टॉक्सिन्स का है, वो जब उस जगह से, उस टिश्यू से निकलता है तो डेफिनेटली उस जगह पर एजिंग के इफेक्ट को स्लो डाउन करता है, एजिंग के इफेक्ट को कम करता है, और साथ ही साथ उस जगह का फ्रेश नरिशमेंट होता है, रिजुविनेशन होता है। एंड दैट इज वाई पंचकर्म के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, पर्टिकुलरली अभ्यंग, धरा या बस्ती, ये बहुत ही रिलेवेंट है। बेस्ट पार्ट, दीज आर नॉन इन्वेजिव मोस्टली। कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि इन्वेजिव है, जिनमें कि कोई चीज़ें से, कोई ट्यूब किसी और मीडियम से हम बॉडी के अंदर किसी चीज़ को डालते हैं, से थ्रू द रेक्टम या थ्रू द माउथ, बट इन जनरल जितने ये प्रोसीजर्स हैं ये एक्सटर्नल होते हैं और नॉन इन्वेजिव होते हैं, पेशेंट फ्रेंडली होते हैं। द ओनली थिंग दे नीड इज टाइम एंड अ केयर टेकिंग सपोर्ट, अ प्रॉपर केयर दैट शुड बी गिवन टू द पेशेंट। थैंक यू।